जय हिंद साथियों। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट, योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 7 कंपनियों ने दिखाई है रुचि। इस मशहूर हॉलीवुड स्टूडियो का नाम भी इसमें शामिल। चलिए भाई, फिल्म सिटी दोनों ही योगी आदित्यनाथ का जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब फिल्म सिटी निर्माण के लिए कंपनी का चयन किया जा रहा है। फिल्म सिटी के विकास के लिए निकाली गई वैश्विक निविदा की तिथि अब बढ़ाकर 30 मई 2022 तक कर दी गई है। यानी कि अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनी 30 मई तक टेंडर डाल सकती है। फिल्म सिटी बनाने को लेकर अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की 7 कंपनियों ने टेंडर डाले हैं, जिसमें हॉलीवुड की मशहूर कंपनी फॉक्स स्टूडियो ने भी आवेदन जो है डाला है, उसमें रुचि दिखाई है। टेंडर भरने की अंतिम तिथि बढ़ी सेक्टर 21 में एकड़, जो 1000 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। इसे लेकर अभी तक 7 कंपनियों ने टेंडर डाले हैं। जल्दी फिल्म सिटी को विकसित करने वाली कंपनी का चयन जो है वो किया जाएगा। टेंडर निकालने के लिए दोस्तों अब तक जो तिथि थी वो 30 अप्रैल थी, अब इसे बढ़ाकर दोस्तों जो है वो 1 महीने और बढ़ा दिया है, ठीक है ना। 7 कंपनियों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, 30 मई तक इसे कर दिया गया है। फॉक्स स्टूडियो ने दिखाई है इसमें रुचि। तो फॉक्स स्टूडियो जो है दोस्तों ये इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। अब देखो किसके नाम पर अंतिम रूप से जो मोहर है वो लगती है, ठीक है। शूटिंग के लिए तैयार हो रही है ये फिल्म सिटी। तो यहाँ पर दोस्तों जो खुला एरिया है, अम्यूज़मेंट पार्क, विला आदि विकसित करने का प्लान है। 120 एकड़ में अम्यूज़मेंट पार्क, 20-20 एकड़ में फिल्म सिटी स्टूडियो बनेंगे। पहले चरण में 80% हिस्से में केवल फिल्म सिटी से जुड़े जो निर्माण कार्य है वो होंगे, ताकि पहला चरण पूरा होते ही फिल्म सिटी की शूटिंग हो सके। तो जो फिल्म सिटी है दोस्तों, उससे लेकर जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना। 7 कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इसमें फॉक्स जो है बॉलीवुड की कंपनी वो भी शामिल है।